से सीधे तौर पर सामने आई है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई है। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्विटर को फटकार लगाई है। ट्विटर ने कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि छोटा सा मेमो जरूर दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्विटर को अंतरिम प्रोटेक्शन के बारे में सोच विचार किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली जो सुनवाई है इस बाबत वो 28 जुलाई को होनी है, लेकिन हाईकोर्ट ने यह जरूर माना है कि छोटा सा मेमो ट्विटर की जानिब से दाखिल जरूर किया गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह से ट्विटर ने पहले मनमानी की है उसी के मद्देनजर उसको फटकार लगाई गई है। ट्विटर ने अब तक कोई भी हलफनामा दाखिल कोर्ट में नहीं किया है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि एक मेमो दाखिल जरूर किया गया है, ट्विटर को अंतिम प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, यह भी दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।